कौन कहता है मेरे बाप के पास पैसा नहीं होता, थोड़े से पैसे नर्सों को देते तू ऐसा नहीं होता। मैं हूं उरूज और आप देख रहे हैं एन उरूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैं आई हुई हूं मेरी टाइम म्यूज़ियम में, कारसाज पे। ये म्यूज़ियम है और यहां पे साल का सबसे बड़ा जो है फूड फेस्टिवल, फैमिली फन एंड फूड फेस्टिवल होने जा रहा है और इस फेस्टिवल में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं। सो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस वक्त आप सामने देख रहे होंगे बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए भूत बंगला वगैरह यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स हैं और जो है काफ़ी सारी शॉपिंग के स्टॉल्स भी हैं, तो वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। इस वक्त ये देख लें, ब्रिज से लोग जा रहे हैं, फाउंटेन वगैरह यहाँ अरेंजमेंट्स की हुई हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में आज यहाँ पे जो है पब्लिक आई हुई है, काफ़ी क्राउड है। हालांकि जो है सैटरडे है, संडे नहीं है। और इस फेस्टिवल का मैं आपको बता दूं कि जी ये 3 दिन जारी रहने वाला है, सैटरडे संडे एंड मंडे। और एंट्री टिकट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि एंट्री फ़ी जो है वैसे नॉर्मली यहाँ की 30-50 रुपीज़ होती है, बट इस फेस्टिवल में जो है 100 रुपीज़ फ़ीस है। ठीक है जी, एंट्री फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है। अच्छा जी, ये बाकी देखिए, ये पहले मैं थोड़ा सा आपको म्यूज़ियम का व्यू दिखा देती हूँ कि आप देखें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम है। अगर वैसे भी आप मेरी टाइम म्यूज़ियम में आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि सफ़ाई की काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स होती हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम में आपको तरह तरह की जो है वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर टैंक्स होते हैं, तोपें होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा लश ग्रीन पार्क है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, सफाई के इंतज़ाम, अगेन मैं रिपीट करूँगी कि अच्छे होते हैं और कुछ ज़िम्मेदारी हम पे भी आयद होती है कि अगर हम इन जगहों पे आएँ तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा जी, बाकी ये आप सामने देख लें कि जी यहाँ पे जंगी सामान वगैरह तमाम दस्तयाब है। अगर आपने ये परचेजिंग के लिए नहीं है, ये जस्ट डिस्प्ले हुआ है। अच्छा जी, अब कुछ फूड स्टॉल्स हैं, मैं अब आपको फूड स्टॉल्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा टिक्के वगैरह हैं, बोटियाँ हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी। अच्छा जी, इसके अलावा स्पेगेटी है, मैक्रोनीस हैं, यहाँ पे गाजर का हलवा भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। डिफरेंट स्टोर्स पे आपको तमाम जो है फूड आइटम्स मिल जाएंगे। सैंडविचेस वगैरह हैं, इनकी प्राइस मैंने पूछी तो 100 रुपीज़ का जो है सैंडविच है, ठीक है। एक और इसके अलावा यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही होंगी चौमिनस वगैरह यहाँ अवेलेबल हैं। बाकी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, मैं आपको वन बाय वन दिखाती जाती हूँ। चिकन बारबेक्यू, अच्छा जी यहाँ आप देख लें, यहाँ आपको फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बर्गर का स्टॉल है, बर्गर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फूड स्टॉल, ठीक है। अंडे वाला बर्गर चाहिए और जो है या कबाब वाला बर्गर चाहिए तो सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं और इसके अलावा फूड कोर्ट भी है, देखिए यहाँ अगर आप बैठ कर खाना चाहें तो काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, तो आप यहाँ बैठ कर ईज़िली खा सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको बिरयानी, पुलाव वगैरह भी मिल जाएगा, चाट मिल जाएगी, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, ठीक है। पिज़्ज़ा क्रस्ट वालों का पिज़्ज़ा है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, देख लेते हैं मज़ीद स्टॉल्स पे क्या क्या अवेलेबल है। तो जी इस स्टॉल पे आपको क्विस्प मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है मैंने दूर से मुझे दिखाई दे रही है तो मुझे तो काफ़ी मुनासिब लग रही है, बट देख लेते हैं। लेकिन प्लीज़ अगर आप ये चीज़ें परचेज़ करते हैं तो एक्सपायरी ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 35 वाली जो है बॉटल वो आपको 20 रुपीज़ में मिलेगी,
तो परचेज़ करें, बट एक्सपायरी जो है ज़रूर देख के परचेज़ करें। इसके अलावा ये बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, कार्स हैं, रोबोट कार्स जो होती हैं, रोबोट कार्स वो हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अच्छा खासा बजट बना के आएँ। इसके अलावा जद्दा फूड सेंटर है, ठीक है जी, यहाँ पे आपको शवरमा मिल जाएगा, लाहौरी शवरमा जो होता है, ठीक है। ये देखिए, मुझे वैसे पर्सनली शवरमा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट यहाँ है अवेलेबल। अच्छा, इसके अलावा आप देख लें, कचौरी, पानी पूरी, बिरयानी ये है। इसके अलावा हैदराबादी बीफ पुलाव बिरयानी वो भी आपको मिल जाएगी। ये देखें, चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे, बट आपको मिल जाएंगी तमाम खाने पीने की चीज़ें। इसके अलावा यहाँ ये एक और स्टॉल है, इस पर आपको जो है स्पेगेटी वगैरह मिल जाएगी, चाइनीज़ राइस वगैरह मिल जाएंगे, चाउमिन वगैरह मिल जाएगी, और बर्गर्स हैं, ब्रोस्ट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस स्टॉल पे आपको मिल जाती हैं। ये हमेशा पीएफ म्यूज़ियम वगैरह में भी स्टॉल लगता है जब कोई एग्जीबिशन या फेस्टिवल वगैरह होता है, और यहाँ भी है। इसके अलावा जी ये बंद कबाब वगैरह मज़ीद आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। एबीसी बेस्ट फूड्स, ठीक है। तो इस स्टॉल पे देख लेते हैं जी क्या क्या है। यहाँ पे आपको रोल समोसे वगैरह मिल जाएंगे, इसके अलावा हलीम मिल जाएगी आई थिंक, ठीक है। रश बहुत ज़्यादा है, बड़े धक्के लग रहे हैं इधर उधर से। अच्छा, शवरमा यहाँ पे आपको वो एक स्टॉल पे मज़ीद जो है वो मिल जाएगा। तो शवरमा लवर्स जो हैं वो यहाँ ज़रूर आएँ। अच्छा जी, ये है द मैजिक जूस, ये भी तकरीबन हर एग्जीबिशन में इनका स्टॉल होता है, और ये भी मज़े का जूस होता है, मैंने पिया है, बट इस बार जो है भी क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब है तो मैं नहीं ट्राई करूँगी। वैसे अच्छा टेस्ट होता है, मज़े का होता है, आप आएँ तो पी सकते हैं, ठीक है। ये आई थिंक 50 रुपीज़ का जो है गिलास देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देख लीजिए जी, ये भी आपको जो है चाउमिन वगैरह मिल जाएंगी, मैक्रोनीस मिल जाएंगी, और उसके अलावा समोसे और रोल वगैरह तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। टिक्के हैं, बोटियाँ हैं, रोल ये आपको बने हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और धुआं जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि फ्रेश आइटम्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ना कुरान राजा ना इंतजार की रहमत, स्क्रैच पे इनाम हासिल करने का मामा, इनाम हासिल करने का चांस, कदम बढ़ाएं, स्क्रैच करें और इनाम पाएं। तो व्यूअर्स, ये इस वीडियो का जो है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पार्क में बहुत ज़्यादा शोर था, जिसकी वजह से है मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड तो कर रही थी बट मैं बोल नहीं पा रही थी कि इतना शोर था कि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके अलावा जो है आपने कैंडीलैंड का फूड स्टॉल देखा होगा, बाकी ये बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें जो हैं इस स्टॉल पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है, ठीक है। और टिकट का मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि 100 रुपीज़ टिकट है यहाँ का, 100 रुपीज़ जो है एंट्री फ़ी है, ठीक है। बाकी ये देखें, ये डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये कलौंजी विथ हनी, तो यहाँ पे आपको सोप वगैरह मिल जाते हैं, हैंड वॉश वगैरह मिल जाते हैं। सोप की प्राइस मैंने पूछी थी तो मुझे बताई गई थी कि जी 150 रुपीज़ का सोप है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको डिफरेंट जो है फ्लेवर्स में सोप मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, सारे फ्लेवर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, आप आएँ, अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। आगे जाऊँगी और आप लोगों को मज़ीद स्टॉल्स दिखाऊँगी। बाकी ये बच्चों के लिए क्योंकि ज़्यादातर अरेंजमेंट्स की गई हैं यहाँ पे, तो बच्चों के लिए काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखें, किचन वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं। अच्छा जी, माम जी कलेक्शन, ठीक है जी, डील्स एंड काइंड और ब्रांडेड सूट्स। तो यहाँ पे ये आपको कैटलॉग्स वगैरह दिखाई दे रही होंगी,
तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इनसे पूछा था कि जी आपके पास सारे ड्रेस अवेलेबल हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस में जितनी भी ये कैटलॉग में ड्रेसेस हैं सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर इनमें से भी आपको ड्रेस देखें और आपको पसंद आता है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। कैटलॉग मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रिंट है, मुझे ये प्रिंट काफ़ी पसंद आया। अदरक लहसुन चटनी भी बना, ये कौन सा 350। अगर पूरा सेट लेंगे ना भाई, 1500 का पैकेट आधार बन देने अलग से चटनी लग गई, कौन सा 350 रुपये। अच्छा जी, यहाँ पे आपको जितने भी ड्रेस दिखाई दे रहे हैं लेडीज़ ड्रेस, ये आपको जस्ट जो है 1000 रुपीज़ में मिल जाएंगे। 3 पीस ड्रेस हैं और जस्ट आपको 1000 रुपीज़ में मिलेंगे। ये देखिए, ये जितने भी यहाँ पे डमीज पे हैं या वैसे आपको जो है पैक हुए हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सारे के सारे जस्ट 1000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देख लें, तो ये यहाँ अंकल बैठे हुए थे। इसके अलावा ये देखिए, मैं आपको कुछ डिज़ाइंस वगैरह जो है वो दिखा देती हूँ। सारे जो है 1000 की सेल में है, 1000 से कम में आपको कोई नहीं मिलने वाला है, सारे के सारे आपको 1000 में मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, डिफरेंट कलर्स हैं, डिज़ाइंस हैं, और अगर आप ऑनलाइन वगैरह सेल करना चाहें तो उसके लिए भी ले जा सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी कुछ कलेक्शन यहाँ पर भी रखी हुई है। तो सारी की सारी जो है जस्ट 1000 की सेल थी, सारे के सारे 1000 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये कलर्स वगैरह दिखा रहे हैं, कई सी कलर्स हैं इसमें आपको मिल जाएंगे, कलर्स डिज़ाइन जितने भी हैं लोन में मिल जाएंगे, कॉटन में। तो ये यहाँ पे लोन कॉटन की भी जो है कलेक्शन अवेलेबल है, 1000 की ही सेल में है ये भी, ठीक है। और बाकी इसके अलावा ये कुर्तियाँ सामने आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये स्टिच कुर्तियाँ हैं और ये भी जस्ट आपको 1000 में ही मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए, ये जितनी भी कुर्तियाँ हैं ये आपको 1000 में मिलने वाली हैं, और अगर आपने जल्दी से परचेज़ करनी है तो आप जल्दी से म्यूज़ियम में आ जाएं, मेरी टाइम म्यूज़ियम में, और ये कुर्तियाँ परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाकी ये यहाँ पर बच्चों का फूड स्टॉल था, यहाँ पर 100 रुपये में 5 चीज़ें दी जा रही थी, और फूड प्लस जो है वो जूतों का स्टॉल था, यहाँ पर ये जूते थे और ये जस्ट 250 में मिल रहे थे, ठीक है। जो भी साइज़ आपको चाहिए जस्ट 250 में आपको मिल जाएगा। ये सारे स्टॉल्स जो हैं वो पीर तक हैं, संडे तक, इतवार तक नहीं हैं। ये 3 दिन अभी जो है फेस्टिवल चालू रहेगा, सैटरडे संडे एंड मंडे, तो मंडे तक है ये फेस्टिवल। नॉर्मली जो है संडे को तमाम फेस्टिवल्स ख़त्म हो जाते हैं, बट ये मंडे तक होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है नॉन स्टिक के बर्तन वगैरह हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिन पे प्राइस लिखी हुई दिखा दूँगी। ये 3400 में है, ठीक है। ये बाकी देख लें आप, 2600 में है। तो बाकी ये देख लें 1580 में, तो जिन चीज़ों पे प्राइस लिखी हुई मैं दिखा देती हूँ 1800 में। बाकी यहाँ पे ये आपको जो है आइसक्रीम सेट वगैरह, इसके अलावा गिलास सेट वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो तमाम के तमाम स्टॉल्स यहाँ पे अभी जारी रहेंगे। इसके अलावा ये जंपिंग कास्टल है बच्चों के लिए, मिकी माउस और यूरो किड्स, ठीक है। तो यहाँ आप आते हैं बच्चे तो आपसे बड़ा खर्चा करवाने वाले हैं। इसके अलावा ये कुछ स्टिच कुर्तियाँ हैं, बट क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, ये लॉन की कुर्तियाँ थी तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई हैं, बट मैं वैसे थोड़ी सी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये बाकी ये यहाँ पे सेल आइटम भी हैं 150-180 की रेंज में। ये 150 वाली सेल है, आगे थोड़ा सा इसी के सेकंड पार्टीशन में जो है 180 वाली भी, वो सामने जो भी जितनी भी आइटम्स हैं वो 180 वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये शॉप जो या ये स्टॉल जो है मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, और यहाँ पे पर्सनली मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो परचेज़ कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी ये यहाँ पे आप देखें, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं,
और वो भी जो है बहुत रिजनेबल प्राइस में लगी हैं मुझे, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। साइजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, और प्राइसेस मेंशन हैं, बट जो प्राइस लिखी हुई है उससे बिल्कुल भी कम नहीं। ये तलवार है, इस पर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये देखें PNS जरूरत मिसाइल बोट, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे, तो ये आप घर पे भी रख सकते हैं डेकोरेशन वगैरह के लिए, अच्छे लगेंगी ये चीज़ें। थोड़ा सा जो है वो यूनिक लुक लगेगा, थोड़ा सा जो है हटके घर का लुक लगने वाला है। बाकी ये देखें PNS गाजी समरीन है ये, तो इसकी प्राइस मैं आपको दिखा रहती हूँ, ये है जी 3000 की, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी 3000 की। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी और मसीद को ही चाहिए तो ये भी मिल जाएगी, 3000 में ही है, ठीक है। बाकी ये देखिए कमांडर नेवल एविएशन, ठीक है, ये देखें शीट्स वगैरह और ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये देखिए शील्ड प्लेट जो होती हैं वो, ये वो हैं मज़ार कायद है इस पर। बाकी इस पर जो है शाह फैसल मस्जिद वगैरह खैबर पास, इनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी सामने, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, और यहाँ से मैंने क्या क्या ख़रीदा मैं भी आपको दिखाती हूँ। किचन्स मुझे अच्छे लगे थे वो मैंने लिए। अच्छा ये देख लीजिए आप, प्लेट लार्ज 900, अच्छा ये 450 में है, प्लेट स्मॉल जो है 450 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जी मुझे बहुत पसंद आए थे, ये फ्रिज वगैरह पे आप लगा सकते हैं मैग्नेट, इस पे जो है पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। इसके अलावा मज़ारे कायद वाला था, ये जस्ट 90 रुपीज़ में था, और मैंने एक और स्टॉल से पता किया था वहाँ 200 का मिल रहा था, तो मैंने ये भी यहाँ से ले लिए थे क्योंकि मुझे जो है बहुत पसंद आए थे। बाकी ये देखें आप, ठीक है, वॉयलेट्स वगैरह हैं, बटन्स हैं, कॉलर बटन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये देखिए वॉयलेट है, 170 का मिल जाएगा नेवी वॉयलेट। और वो वाला वॉयलेट कितने का है? अच्छा जी ये वॉचेस हैं, ठीक है, ये आप टेबल वगैरह पे रख सकते हैं, तो काफ़ी प्यारी थी ये भी, इनकी भी प्राइस लिखी हुई है, प्राइस आपको सामने दिखाई दे रही होगी, 1100 की, 1300 की, ठीक है। तो शिप वॉचेस हैं। इसके अलावा मज़ार कायद की यहाँ पे आपको डमी मिल जाएगी, शाही किला है, ठीक है, मीनार पाकिस्तान पे शाही किला, इसके अलावा जो है ग्लासेस वगैरह हैं और वॉचेस, ये वॉल क्लॉक हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये देखिए जी मार्बल फ्लैग, तो ये भी आपको मिल जाएगा जी जस्ट 500 में, और ये भी कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ये देखिए, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ये जस्ट आपको 500 में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्लाई नेवी के कैप्स वगैरह मिल जाएंगे, ये वाले कैप्स जो हैं फर्स्ट रो में, ये आपको 300 में मिलेंगे, ठीक है, ये देखिए 300, और ये प्राइसेस जो लिखी हुई हैं इसी प्राइस पे दे रहे हैं, इससे जो है कोई कमी पेशी नहीं की जा रही है, ये बस जो है फुल एंड फाइनल प्राइसेस हैं, ठीक है। बाकी लास्ट रो में जो हैं वो 200 वाली हैं। इसके अलावा ये देखिए जी, ये किचन वगैरह आप देखें काफ़ी ज़बरदस्त, ये कॉम्पास किचन है, ये आपको जो है 150 में 100 में मिल जाएंगे, ये वाला किचन मुझे पसंद आया था, ये मैंने परचेज़ किया है, ये 100 का है। इसके अलावा एक और किचन है वो भी बहुत प्यारा है, वो 150 का है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैंने लिया है, ठीक है। बाकी ये देखें काफ़ी ज़बरदस्त किचन्स हैं कि, और ये नेवी का कप मग है सॉरी, और ये भी आपको 300 में मिल जाएगा, ये देखिए, तो काफ़ी प्यारा लगता है ये कप, ये देखिए। ठीक है ये किचन देखें, ये देखें जिस परचम के साए तले हम एक हैं, साथ ही अपनी खुशियां और हम एक हैं, ठीक है। ये वाला किचन देखिए कितना प्यारा है। बाकी ये वॉल क्लॉक्स मज़ीद थी, और अब मैं दूसरे स्टॉल पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे जो है 20% ऑफ सेल थी, ये जितनी भी प्राइसेस मेंशन हैं
तो इन पर 20% जो है ऑफ है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये 2380 है तो इस पर भी 20% ऑफ है। ये आयज़ा खान प्रिंट के नाम से फेमस है, ये उन्होंने आयज़ा खान ने पहना था चुपके चुपके में, तो बाकी इसकी भी प्राइस मेंशन है 2580। ये इन सब पे जो है 20% का डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट रेट पे ही आपको मिल जाएंगे ड्रेस। ठीक है, क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहा जा रहा है कि जी साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये बास्केट्स वगैरह हैं, ये 70% ऑफ लिखा हुआ है, इन पे भी ये 70% ऑफ पे दी जा रही हैं। बाकी ये कुछ वॉयलेट्स वगैरह हैं, तो लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों की कलेक्शन अवेलेबल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। वॉयलेट चाहिए, पर्स चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए मिल जाएगा। अच्छा जी, इस स्टॉल पे आपको लेडीज़ बैग्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, वॉयलेट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इस स्टॉल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है लकड़ी के टिशू बॉक्स वगैरह हैं, तो उनके रेट्स मैंने पूछे बट मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे, तो इसीलिए जो है आप जब आएँगे तो ख़ुद पूछिएगा, क्योंकि 4000, 5000, 6000 में जो है ये जस्ट आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, इससे प्राइस कम नहीं होगी। वुड में हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इसकी प्राइस लगी है, बट मैं भी के इनके हिसाब से ठीक हो प्राइस। ठीक है, बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अलावा इस पर सेविंग फर्नीचर है इनके पास, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर जाऊँगी और मैं वो भी दिखाऊँगी। बाकी ये आप देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है इनकी, बट प्राइस भी इतनी ही प्यारी है जितना प्यारा डिज़ाइन है। ठीक है, बाकी ये देखें जी, ये यहाँ पर आपको स्टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, टेबल्स हैं और काफ़ी प्यारी प्यारी टेबल्स हैं। ठीक है, और ये स्पेस सेविंग फर्नीचर में आ जाता है, ये देखिए जी, ये देख, नो डाउट के इनके पास जितना भी फर्नीचर था वो बहुत प्यारा था क्वालिटी वाइज, बट प्राइसेस भी इनकी इतनी ही वही प्यारी हैं। इसके अलावा ये वुड में सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वॉल क्लॉक्स वगैरह हैं, जो फ्रेम्स हैं ये सारी जो है वुड में हैं। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए, ये सनस्क्रीन्स वगैरह और ये देखिए तिजोरियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। ठीक है, तो इनके पास जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी वुड में हैं, ये देखिए फ्रेम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं। बाकी ये देखिए टेबल चेयर्स हैं। ठीक है, बहुत प्यारा फर्नीचर था, रिपीट में यही चीज़ करूँगी कि बहुत प्यारा था। और ये देखें, ये चाय वगैरह सर्व करने के लिए। ठीक है, बाकी ये देखिए ट्रॉली थी चाय सर्व करने वाली, और ये भी स्पेस सेविंग फर्नीचर जो है, टेबल्स जो होती हैं स्पेस सेविंग होती हैं कि आप इनको जो है इकट्ठे करके रख लें। देखें, वुड फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चर रिटेल एंड होलसेल, शॉप नंबर इनका लिखा हुआ है, अगर आपने इनसे कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो ये स्टॉल तो ख़त्म हो जाएगा 3 दिन में, बट आप इनकी शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइंस देख लें, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के हैं, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं। अगर आपका बजट है तो आप ज़रूर ये चीज़ें लीजिए, क्योंकि बहुत प्यारी लगेंगी, इनसे घर का जो लुक है वो बहुत प्यारा आता है। आइए मज़ीद दूसरे स्टॉल पे चलें। तो जी यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पर आपको बच्चों के कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, फ़्रॉक्स हैं, और ये जितने भी फ़्रॉक्स हैं ये आपको जस्ट जो है 1000 से 1500 की रेंज में मिलेंगे। ठीक है, ये सारे आप देख लें, मैंने भाई से कहा कि थोड़ी मेरी हेल्प करते हैं, थोड़े मुझे दिखा दें, तो ये उन्होंने मुझे दिखा दी, और ये तकरीबन सारे ही 1000 से 1500 की रेंज में आपको मिलने वाले हैं। बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक्स थे इनके पास, डिफरेंट डिज़ाइंस में थे, सिंधी बलूची ड्रेस जो होते हैं, और आजकल तो हर कोई पहना रहा है क्योंकि ये बच्चियों पर बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए, इसके अलावा जेंट्स कुर्ता वगैरह हैं इनके पास, लेडीज़ शॉल्स हैं, सिंधी ड्रेस हैं लेडीज़ के लिए, सिंधी एंड बलोची ड्रेसेस हैं। ठीक है,
ये बाहर भी कुछ यहाँ पे इनकी कलेक्शन है, ये छोटी बच्चियों के लिए अगर आप लेना चाहें तो इसका भी मैं डिज़ाइन आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है और स्पेशली जब बच्चियाँ ये पहनती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। और स्वेटर्स वगैरह थे ये 1500 में थे। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ जो है होम डेकोर आइटम्स हैं, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे काफ़ी सारी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं। और इनकी भी जो शॉप है वो सेंट्रल मॉल में है, वो भी मैं आपको आगे चल के कोशिश करूँगी कि एड्रेस मेंशन कर दूँ, अगर ना कर सकी तो इनकी जो शॉप है वो इसमें सेंट्रल मॉल में बेसमेंट में है, ठीक है। बाकी ये देख लें आप, होम डेकोर के काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के आइटम्स इनके पास अवेलेबल हैं, अंदर भी जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ हम देख लीजिए जी, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, वॉश वगैरह हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के वाज हैं, सीट्स हैं बैठने के लिए जो है वो आप ले सकते हैं, कॉर्नर पीस हैं, ये देखें फ्रेम्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, ये देखिए। बाकी आप शॉपीस वगैरह आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें, अच्छा जी, ये शॉल्स थी बट इनकी मैंने प्राइस पूछी तो मेरे कानों से धुआं निकल गया था, क्योंकि जो है 25,000 की ये शॉल्स बताई जा रही थी, तो अनबिलीवेबल प्राइस थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 25,000 नॉट 100। बाकी यहाँ आप ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है इस पार्क को सजाया गया है, झूले आप देखें जी, ये देख रहे हैं आप। और इसके अलावा स्टॉल की बुकिंग जा रही है, अगर आपने स्टॉल बुक करवाना है, अभी दो दिन बाकी हैं, आप स्टॉल बुक करवा सकते हैं। 50,000 जी स्टॉल का किराया है, 50,000 में करवा सकते हैं। इसके अलावा ये ज्वेलरी का स्टॉल है यहाँ पे, तो ये आप देख लें, यहाँ पे आपको चूड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी। और ये जो है 250 में आपको मिल रही थी, ठीक है। ये देखें, ये जितनी भी थी ये 250 की सेल थी, और इसमें आपको कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी प्यारे प्यारे ब्रेसलेट्स थे, ये देखिए, बहुत जो है ये ज़बरदस्त किस्म का ब्रेसलेट था, और ये भी आपको जस्ट 250 में मिल जाएगा, ये देखिए, बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट, और वो जब भी जस्ट 250 में। इसके अलावा एयररिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ये देखें, जितनी भी चीज़ें हैं 250 की सेल में थी। ये जैसे ही आप म्यूज़ियम में इंटर होंगे, फर्स्ट या सेकंड स्टॉल है आई थिंक इनका, ये काफ़ी बड़ा स्टॉल था, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। बराबर में एक मेकअप का स्टॉल है, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे आपको जो है कुछ कॉस्मेटिक्स मिल जाएगी, ठीक है, ये देख लीजिए। अरे वाह, अरे वाह,
कौन कहता है मेरे बाप के पास पैसा नहीं होता, थोड़े से पैसे नर्सों को देते, तू ऐसा नहीं होता। उनको पता था ये वाह वाह कर दिया, पैसा क्या मेरी तारीफ करे। आपके लिए शेयर दे दिया मैंने, करो। आपके लिए शेयर के दिया मैंने, करो। कि कौन कहता है केले कच्चे होते हैं, कौन कहता है केले कच्चे होते हैं, क्या इंसानों के ऐसे बच्चे होते हैं। तो शोर बजाने की क्या बात, दोबारा बोल दे भाई, दोबारा बोल। ले भाई, कौन कहता है केले कच्चे होते हैं, कौन कहता है केले कच्चे होते हैं, क्या इंसानों के ऐसे बच्चे होते हैं। कौन कहता है केले कच्चे होते हैं, कौन कहता है केले कच्चे होते हैं, जहाँ लाइट नहीं होती वहां ऐसे बच्चे होते हैं। जनरेटर की पैदाई, वतन पे शेर बना दिया मैंने, वतन पे मुल्क बनाया कायदे आजम ने ऐश करे हम, मुल्क बनाया कायदे आजम ने ऐश करे हम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, शेर खत्म। खत्म। मैं मोमबत्ती जला के जा रहा था टॉयलेट, तू मोमबत्ती जला के जा रहा था टॉयलेट, हाय हाय क्या आमद आ गई। मैं मोमबत्ती जला के जा रहा था टॉयलेट, तू मोमबत्ती जला के जा रहा था टॉयलेट, कोई कमबख्त फूंक मार के कह गया क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो भाई आखिरी शेर, आखिरी शेर, फिर उसके बाद दोबारा एंट्री, वो आगे आगे थी, वो आगे आगे थी, वो पीछे पीछे था, मैं पीछे पीछे था, वो पलट के बोली क्या, आया कब तक पीछे आया। अच्छा तो आप थे, थैंक यू वेरी मच, तालियां बजाना, तालियां तालियां। बाकी ये म्यूजियम का आप ओवरव्यू को एक बार फिर से देखें और क्राउड देखें कि जी कैसा क्राउड आया हुआ है। मेरे ख्याल में आज पूरा कराची यहाँ आया हुआ है, देख के तो यही लग रहा है कि आज पूरा कराची जो है मेरीटाइम म्यूजियम में आ चुका है। एंड लास्ट में आप लोगों को लोकेशन जो है एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि जी मेरीटाइम म्यूजियम का सास पे जो म्यूजियम वाक़ है वहाँ पे ये जो है फूड फेस्टिवल हो रहा है, फूड एंड फैमिली शॉपिंग फेस्टिवल जो है, और इसका जो एंट्री टिकट है वो पर पर्सन 100 रुपीज़ है, पर फैमिली में पर पर्सन 100 रुपीज़ है, और विदाउट फैमिलीज़ आप यहाँ नहीं आ सकते। ये चीज़ मैं यहाँ रिपीट कर दूँ कि विदाउट फैमिलीज़ आप यहाँ नहीं आ सकते, फैमिली के साथ ही आना पड़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि जी आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जी मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको दिखाऊँगी, आप देख रहे होंगे पीछे। तो इस उम्मीद के साथ आई होप कि आप लोग जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली एग्जीबिशन पे नज़र है और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी एग्जीबिशन शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।